मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी शो जो होगा बड़ा शो, उसमें अमार बेग नहीं होगा तो वो शो कामयाब नहीं होगा। आप अपने बारे में बताएं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सिर्फ गुलुकारी की तरफ या इन फ्यूचर एक्टिंग की तरफ भी आ सकते हैं आप? आज के दिन हमारे साथ वारिस बेग साहब की जो अहलिया हैं मैडम शाजिया, वो भी मौजूद हैं। वीडियो देखी इनकी, तो कोई शिकायत है बेटे से आप? बिल्कुल भी नहीं है, हस्बैंड से नहीं थी तो बेटे से कैसे होगी। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। आज के दिन हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड गुलुकार वारिस बेग के साथ, और ख़बर है कि वारिस बेग के जो साहबजादे हैं गुलुकार अमार बेग, उनका एक और गाना रिलीज़ हुआ है। ये गाना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि गाना पंजाबी है, शूट ये लॉस एंजलस में हुआ है, इसकी डायरेक्शन भी एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने की है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के दिन हम वारिस बेग साहब से जानते हैं, उसके बाद अमार से जानेंगे। और आज के दिन हमारे साथ वारिस बेग साहब की जो अहलिया हैं मैडम शाजिया, वो भी मौजूद हैं। तो वारिस बेग साहब, कितना प्राउड मोमेंट है, एक और गाना बेटे का रिलीज़ हुआ है, लेकिन बड़ी कंट्राडिक्शन है, पंजाबी गाना लॉस एंजलस में शूट हुआ और फिर उसको हॉलीवुड के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, कैसा उसके लिए तो नहीं मुश्किल हुआ? नहीं, एक्चुअली ये टोटल अमार का आइडिया था। देखो, पंजाबी गाना तो गाँव में भी शूट हो सकता है, लेकिन इसने कहा है कि हमने एलए में शूट करना है, हॉलीवुड में करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से पंजाबी भाई भी वहाँ रहते हैं, तो इसका ये आइडिया था। और लड़की इसने जो ली वो हमारी विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल थी, तो ये सारा अमार का आइडिया था। और मैं समझता हूँ कि इसका आइडिया आज आपको पता चला लोगों ने कितना पसंद किया, और हर बंदे की ज़ुबान पे ये गाना फौरी आ गया एक बार सुनने के बाद। एक वक्त था जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी, उसमें अगर वारिस बेग साहब का कोई गाना ऐड ना हो तो उसको कामयाब फिल्म नहीं समझा जाता था। तो ये बेटे को अब कहाँ देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ इनका रुझान होगा या फिर ये इसी तरह के सिंगल गाने जो है वो रिलीज़ करते रहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी शो जो होगा बड़ा शो, उसमें अमार बेग नहीं होगा तो वो शो कामयाब नहीं होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। चले, अच्छा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मैं गलत हूँ तो ये करेक्शन करेंगे। पाकिस्तान के पहले गुलुकार हैं जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नेशनल हीरो, ऐसा ही है? नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, तो इतने बड़े गुलुकार के साहबजादे हैं आप, तो एक लेगेसी लेकर चल रहे हैं आप आगे। ये तो मेरे ख्याल में आपको अनकरीब सेनेटर नज़र आएंगे, तो आप अपने बारे में बताएं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सिर्फ गुलुकारी की तरफ या इन फ्यूचर एक्टिंग की तरफ भी आ सकते हैं आप? मुझे काफ़ी शौक है इसका, एक्टिंग का, बट मेरा मेन फोकस अभी सिंगिंग है, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ओनली सिंगिंग। अच्छा, ये आपने सिंगल रिलीज़ किया है, मदर को आपने क्यों बुलाया आज, ये बताएं, मतलब माजत क्यों बुलाया नहीं, आज स्टेज पे क्यों बुलाया था ये बताइए। स्टेज पे बुलाने का मकसद ये था कि लास्ट जो प्रीवियसली मैंने अपना म्यूज़िक वीडियोस लॉन्च की थी, उसमें काफ़ी डिग्निटरीज और सेलिब्रिटीज़ इनवाइटेड थे, बट इस बार मैंने डिसाइड किया कि मम्मा हैं और डैड तो हैं ही हैं मेरे साथ, हर जर्नी में मेरे साथ, तो मेरा ये प्लान था कि इस बार जो इनॉग्रेशन हो या जो स्टार्ट हो वो मम्मा की ब्लेसिंग से हो। अच्छा मैडम, आपसे जानते हैं आपके जो खाविंद हैं वो अच्छे गुलुकार साबित हुए हैं या बेटा अच्छा गुलुकार साबित हुए? वारिस वारिस हैं और अमार वारिस अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, तो ये नो कंपैरिजन। तो अभी ये शूट आपने देखा है, वीडियो देखी इनकी, तो कोई शिकायत है बेटे से आप? बिल्कुल भी नहीं है, हस्बैंड से नहीं थी तो बेटे से कैसे होगी। दोनों मिलके गाइएगा प्लीज़, और ये डेडिकेट करना आपने अपनी अहलिया को। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। थैंक यू सो मच। और जोगिया गाना जो है वो रिलीज़ हो चुका है, आप तमाम लोग इस गाने को देखें, क्योंकि इसके जो लिरिक्स हैं वो भी अमार बेग ने ही लिखे हैं, और जो म्यूज़िक डायरेक्शन है वो भी अमार बेग की तरफ से ही है। तो ये गाना आप तमाम लोगों के लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, इस गाने को देखें और पाकिस्तान के इस नौजवान गुलुकार को ज़रूर सपोर्ट करें।